हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस तरह का है। प्रूव बाय मीन वैल्यू थ्योरम मोड ऑफ कॉस ए माइनस कॉस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी। ये हमें प्रूफ करना है मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है, और इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं। तो अगर एफ एक्स के बराबर में कॉस एक्स है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है और इसके साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है। और अगर ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, तो जो मीन वैल्यू थ्योरम होगा ना, वो इस पे अप्लीकेबल होगा, इस पे लागू होगा। तो अगर मीन वैल्यू थ्योरम इस पे लागू होगा, इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं एक कम से कम एक रियल नंबर जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वो रियल नंबर क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे c। तो c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, यानी a से लेके b तक में कोई ना कोई एक रियल वैल्यू होगा c जो बिलोंग्स करेगा, तो सच डेट। ठीक है, अगर ये इस तरीके से होता है तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शंस ऑफ, यानी कि हम फंक्शंस को डीसी करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू, हमें मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। इसको थोड़े अच्छे से लिख लेते हैं, b माइनस ये हमें मिलेगा कब, जब इसके बीच में कोई एक c जो रियल नंबर है एग्जिस्ट करेगा, तब। इक्वेशन वन मान लेते हैं। ठीक है, इसे अगेन f डैश x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब यहां से देखते हैं। हमारा f x इज इक्वल टू cos x है, तो f को dc करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x, यहाँ पे हमने लिख लिया। और cos x को dc करेंगे तो cos का dc sin होता है, वो भी माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, डेट इज हम इसे लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन ये था, तो इसको टू मान लेते हैं और ये हमारा थ्री हो जाएगा। डेट इज अगर हम यहाँ x की जगह पर c पुट कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस साइन सी। ठीक, अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री वी गेट, ठीक है, इक्वेशन दो और थ्री को ऑब्जर्व कीजिए, तो यहां पे हमारा एफ डैश सी टू एफ बी माइनस एफ ए और बाई एफ बी माइनस ए है, है ना। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं जो हमारा एफ डैश सी इज इक्वल टू है साइन सी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन सी इज इक्वल टू, चूंकि अब हम यहाँ साइन में लिए हैं तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा कि कॉस में लेना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए बाई, ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, इसके नीचे हम वन मान लेते हैं, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, तो इस वाले टर्म को अगर हम इंटू करते हैं वन से, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा बी माइनस ए इंटू माइनस साइन सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करके ये माइनस से इसमें इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू साइन सी। यहाँ पे है कॉस बी माइनस कॉस ए। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मोड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ कॉस बी माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मोड ऑफ ए माइनस बी और यहाँ पे हो जाएगा साइन सी। ठीक है, अब इसका मोड जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए माइनस बी और इंटू मोड ऑफ साइन सी। अब मान लेते हैं चूंकि साइन सी इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये साइन सी का जब वैल्यू वन रखेंगे तो ये टूटेगा ग्रेटर देन इक्वल टू में। ठीक है ना, जब भी हम मोड को तोड़ते हैं तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू में टूटता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मोड ऑफ ए माइनस बी
और यहां पे रखेंगे इसका वैल्यू कितना, 1। तो मोड 1 का जो वैल्यू होगा 1 होगा, ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू ए माइनस बी। तो इसलिए मोड ऑफ कॉस बी माइनस कॉस ए इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सो दैट एफ एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ओ बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूअस दिखाना है। तो कंटिन्यूअस के लिए जो हमारा कंडीशन होता है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, अगर ये तीनों का वैल्यू इक्वल आ जाता है, इट मीन्स ये जो हमारा फंक्शंस है वो कंटिन्यूअस है। अगर डिफरेंशिएबल के लिए हमारा सबसे पहले राइट लिमिट जो होता है, यानी कि राइट एफ एक्स इज इक्वल टू ये लेफ्ट लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाए, तो ये हमारा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, ये फंक्शन होगा तो ये हमारा कंटिन्यूअस, और ये होगा तो डिफरेंशिएबल। तो ये दो जो टर्म है हमें क्या करने हैं, इसमें दिखाने हैं। तो वो हम ये जो हमारा फंक्शंस गिवन है इसके माध्यम से हम इसे दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए। फोर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 वी हैव, हमें क्या मिलेगा, जो फंक्शंस ऑफ 0 है इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस में 0 प्लस 0 निकालेंगे। ठीक है, ये एफ ए हो गया, तो यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, ये हो जाएगा 0 प्लस एच, और इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू, और ये हो जाएगा एस एच स्क्वायर, एक्स की जगह पर एच पुट करेंगे, और ये हो जाएगा साइन 1/h, और एच की जो लिमिट है वो 0 पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू मिलेगा हमारा वो 0 मिल जाएगा। ठीक है, सिंस मोड ऑफ साइन 1/h इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो b का वैल्यू है उसे निकालना है। तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शंस ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 1/-h, इसका भी वैल्यू डालेंगे जब 0 लिमिट, तो ये हमारा दे देगा 0। ठीक है, तो दोनों हमारा क्या आ गया, 0। तो एफ सी है, सी का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 0 जो है वो गिवन है। ठीक है, तो सिंस एफ 0 इज इक्वल टू एफ 0 इज इक्वल टू एफ 0, यानी कि ये एफ ए एफ बी और एफ सी तीनों इक्वल हो गया, इट मीन्स ये जो फंक्शंस है हमारा वो कंटिन्यूअस है। तो यहां से लिख लेंगे देयरफोर फंक्शंस ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एज रिगार्ड्स डिफरेंशिएबिलिटी लिख लेते हैं, बिलिटी वी। अब हमें पहले राइट लिमिट का निकालना है, तो राइट एफ डैश ये हो जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू, तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0, और यहां से हमारा हो जाएगा एफ 0 प्लस 0,
और ये माइनस एफ जीरो और बाई कितना हमारा एच। तो अब इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और इसकी जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी एच स्क्वायर साइन वन बाई एच और माइनस क्या जीरो और बाई कितना एच। एच से ये स्क्वायर जो है वो हमारा कट जाएगा तो इज इक्वल टू बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा एच साइन वन बाई एच और इसका जब वैल्यू डालेंगे एच टेंस टू जीरो तो ये हमें देगा जीरो। ठीक है, अब इसका राइट निकल गया, अब लेफ्ट निकालना है एंड लेफ्ट फंक्शंस ऑफ जीरो इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा लिमिट टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एफ जीरो और ये बाई कितना यहां से हम लिख लेंगे h। तो ये इसका जब वैल्यू डालेंगे तो ये हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा एच स्क्वायर साइन वन बाई ये माइनस में आएगा तो यहाँ पे माइनस h और बाई माइनस एच फिर h से ये पावर कट जाएगा यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो और ये h साइन वन बाई माइनस एच। ठीक है, और माइनस यहाँ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस में तो इसका जब वैल्यू डालेंगे हम यहाँ से ठीक है तो ये हमारा लिमिट देगा क्या जीरो। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो हमारा राइट लिमिट है राइट एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लेफ्ट जो हमारा ये है ये दोनों इक्वल आ गया। अब यहां से लिख लेंगे हेंस कॉन्सिक्वेंटली एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ये हमारा क्या हो गया ये जो हमारा फंक्शन ऑफ एफ एक्स है ये डिफरेंशियल हो गया किस पे एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और आगे भी इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।